लेकिन करौली का जब हुआ था उस समय भी आपने कहा था अभी तो ये शुरुआत है, राजस्थान में तो इलेक्शन तक और होंगे और इसके बाद भी दो और हुए, क्या आगे की तैयारी क्या है? बिल्कुल इनकी तैयारी यही है, आग लगाओ क्योंकि ये चुनाव हार रहे हैं, अगले चुनाव इनको मालूम पड़ गया कि राजस्थान की जनता इस बार फैसला अपने तरीके से करेगी। इसलिए मैंने कहा करौली का जो प्रयोग था इनका वो लेबोरेटरी होगी इस प्रकार से। आप देखा रामनवमी में हमने दंगा नहीं होने दिया राजस्थान में, सभी धर्मों के लोगों ने फूल बरसाए रामनवमी के जुलूस पर। सात राज्यों में दंगे हुए, सातों राज्यों में दंगे हुए, फिर बुलडोजर चले सब जगह पर। करौली में जो तरीका हुआ था दंगा के भड़काने का वही तरीका सात राज्यों में था। इसकी भी जाँच होनी चाहिए। अगर दम है अमित शाह जी के अंदर तो गृह मंत्रालय को एक कमेटी बनाए, हाईकोर्ट जज हो सुप्रीम कोर्ट जज हो कि वास्तव में ये सात राज्यों में दंगे भड़के करौली के बाद में उसके जड़ में क्या था, क्या भावना थी, क्या इनकी प्लानिंग थी, किस रूप में दंगे भड़काने की प्लानिंग थी, वो तो तमाम बात सामने आ जाएगी। आगे दंगे होने रुक जाएंगे। देश के अंदर जो हालात है बहुत चिंताजनक है, उसकी चिंता सबको लगी हुई है। जिस प्रकार धर्म के नाम पर जाति के नाम पर राजनीति हो रही है खतरनाक है, खतरनाक है। अच्छा लग सकता है कुछ लोगों को पर देश हित में नहीं है। देश अगर 70 साल के बाद में भी एकजुट रहा, रशिया टूट गया कई टुकड़े हो गए, हमारा मुल्क एक रहा अखंड रहा, सभी जाति सभी धर्म सभी बोलियाँ सभी भाषाएं अलग अलग है, तब भी हम लोग एकजुट रहे। और तो और इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी, खालिस्तान ने बनने दिया, राजीव गांधी शहीद हो गए, सरदार बेंसी जी थे मुख्यमंत्री पंजाब के, नेस्तनाबूद कर दिया उन्होंने आतंकवाद को, उनको बम से उड़ा दिया गया, पर खालिस्तान ने बनने दिया। वो भावना थी उन लोगों के अंदर जिन्होंने 70 साल तक देश की आज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आज़ादी के वक्त क्या था ये बातें नई पीढ़ी को नहीं मालूम है। उसका फ़ायदा ये RSS BJP वाले उठा रहे हैं और आप देखो आग लगा रहे हैं सब जगह, एजेंडा बना रहे हैं, धरने दे रहे हैं। ये तो इनकी प्लानिंग थी दंगे भड़काने की, करौली, करौली के बाद में जोधपुर के अंदर, रामगढ़ में इनका खुद का बोर्ड है वहाँ पे भी। ये तो ठीक है, हम लोगों ने पूरा प्रयास करके टाइमली एक्शन कर लिया, इसलिए छुटपुट घटनाएं हो गई, कहीं आगजनी हुई, हमने अरेस्ट कर लिया सब लोगों को। कुछ लोग भागते फिर रहे हैं, उनको छोड़ेंगे नहीं हम लोग। पर ये हमने तय कर रखा किसी भी कीमत पर राजस्थान में हिंसा नहीं होने देंगे और ये जो इनकी हरकतें हैं इनका मुकाबला करेंगे। हम चाहेंगे कि चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, हिंसा का कोई समर्थन नहीं करें। हम सब जनप्रतिनिधि हैं, पहला कर्तव्य हम लोग अमन चैन कायम रहे, शांति भाईचारा प्रेम, शांति भाईचारा प्रेम मोहब्बत रहे आपस के अंदर, ये हमारा फर्ज सबका होना चाहिए। और मैं सबसे अपील करना चाहूँगा चाहे वो किसी पार्टी के लोग हों कि समय रहते हुए आप अपना जो सोच है उसको बदलो और सब हम लोग भाईचारे के साथ रहें, अपनी अपनी विचारधारा के साथ में राजनीति करें। आपने कहा हम कभी नहीं कहते RSS की BJP की विचारधारा एक है, वो उनके पास है, हमारी विचारधारा हमारे पास में है। आज हम सत्ता में नहीं, वो सत्ता में हैं, उनको क्या चाहिए, सत्ता में है वो, तो तब भी अगर वो आग भड़काने की कोशिश करते हैं, संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हैं, कानून का राज स्थापित या होना चाहिए उस पर डिस्टर्ब करते हैं, तो कौन सरकार बर्दाश्त करेगी उनको। जनहित के अंदर में फैसले करने पड़ेंगे। और मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान को बख्शो, हम सब मिलके अपनी अपनी राजनीति करें, परंतु ये किसी को अधिकार नहीं है कि निर्दोष लोग मारे जाएं, आगजनी हो, दंगे भड़के, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बंधन शिविर में क्या विषय लाए जाएंगे? क्योंकि AICC की तरफ से ये चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है और उसी ढंग से वहाँ पे कमेटी बनी है और यहाँ पर जो हमें तैयारी करनी है वो सब तैयारी करीब करीब हो रही है। और अब तो इंतजार है जब लोग सब 13-14-15 का आएंगे, डेलीगेट हमारे मेहमान आएंगे, तो उदयपुर की तो रिवायत है
तो मैं समझता हूँ बहुत कामयाब शिविर होगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।